नमस्कार विद्यार्थियों, एनवी डिजिटल क्लास में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं प्रेमलता माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए अपनी कक्षाएं प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर की अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में तीसरी इकाई में रूढ़िवादिता क्या होती है, रूढ़िवादिता का की अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, रूढ़िवादिता और पूर्व आग्रह में अंतर क्या है, इस तरीके की बातें इस इकाई के अंदर हम करने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आने वाली चीजें हैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचा रही हूं। मैं उनको शॉर्ट एंड स्वीट बना के आपको भेज रही हूं, लेकिन जो चीजें मैं आपको भेज रही हूं उन्हीं को आप डीपली उनका अध्ययन करें, यानी कि मेरे भेजे हुए वीडियो को अपना माध्यम बनाते हुए बुक से सर्च करें और आगे की जानकारियां आप बुक से भी प्राप्त करें। लेकिन कुछ चीजें पढ़ने से समझ में नहीं आती, कुछ चीजें समझने से समझ में आती है, यानी कि अगला पर्सन जब हमें कुछ समझाता है, कोई हमें जैसे कुछ शिक्षाविद आपको वीडियोस भेज रहे हैं, एक तो आप अपना स्वयं का अध्ययन करके पढ़ते हैं, वाकई में बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ शिक्षाविद अपनी मेहनत से आपको वीडियोस भेज रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनकी मेहनत भी एक सराहनीय प्रयास है आपके लिए, क्योंकि जो चीजें स्वयं के पढ़ने से क्लियर नहीं होती वो दूसरों को समझाने से क्लियर होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या रूढ़िवादिता क्या होती है। अब ये रूढ़िवादिता है ये क्या है, एक विचार है, एक परंपरागत विचार है जो पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे विचार है, जिनमें कुछ भी बदलाव कोई इंसान नहीं करना चाहता, उस बदलाव होने वाले बदलावों से वो डरता है, यानी कि क्या बदलाव हम करते हैं उसके भी विपक्ष में खड़ा हो जाता है। कोई इंसान है वो किसी तरीके के बदलाव नहीं चाहता, बाई चांस उसके सामने कोई बदलाव हम लाने वाले हैं तो वो उसके पक्ष में ना होकर उसके विपक्ष में खड़ा होता है और वो बदलाव से डरता है, बदलाव नहीं आने देने के प्रयास में लगा रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं कहाँ से, रूढ़िवादिता से। रूढ़िवाद एक क्या है, विचारधारा है जो परिवर्तनों से डरती है। रूढ़िवादिता परिवर्तनों से डरने वाला एक विचार है। रूढ़िवादिता का अर्थ मैंने यहाँ बताया है कि अवधारणा के अनेक अर्थ लिए गए हैं, रूढ़िवादी अवधारणा के अनेकों अर्थ यहाँ लिए गए हैं, लेकिन यह एक ऐसे व्यक्ति का बोध कराता है, यहाँ एक पर्सन टू पर्सन बात हो रही है कि एक व्यक्ति से रिलेट किया है रूढ़िवादिता को, आपको समझाने के लिए, हमको समझने के लिए एक पर्सन पर एक व्यक्ति को यहाँ लिया है, उसी के आधार पर मैं आपको रूढ़िवादिता की चीजों को यहाँ समझाने वाली हूँ। यह एक ऐसे व्यक्ति का बोध कराता है जो व्यवहार, जिसका व्यवहार कैसा हो, नम्र हो एवं चौकस हो, यानी कि नम्र स्वभाव के व्यक्ति से, नम्र स्वभाव का व्यक्ति कभी भी अपने नेचर में लचीलापन नहीं ला सकता, इसलिए नम्र होने के साथ साथ हमारे स्वभाव में थोड़े से बदलाव लाने के लिए लचीलापन। देखिए स्टूडेंट्स कि बहुत कठोर होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत ज्यादा विनम्र होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि विचार तो है ही ऐसी चीज कि साइंटिफिक रीजन से अगर देखा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विचार है वो चेंज हो रहे हैं, ये हमारी एक्चुअल कंडीशन है। वाकई में हम देख रहे हैं जो हमारी आज से 4 साल पहले जो पीढ़ियां थी, क्या उसी के आधार पर आज समाज चल रहा है, तो नहीं, क्योंकि उसमें कुछ चेंज हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जो रूढ़िवादी होते हैं वो उसमें आज भी चेंज नहीं चाहते, आज भी बदलाव नहीं चाहते, तो वो अपनी किस परंपरा को लेके बैठे हैं, रूढ़िवादिता को। तो स्टूडेंट्स आपकी ये चीज यहाँ क्लियर होनी चाहिए हमेशा के लिए कि रूढ़िवादिता एक परंपरागत विचार है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा एक ही विचार है जो अपने आप में चेंज नहीं चाहता, यानी कि और चेंज होने के लिए आधुनिक युग में जीने के लिए बदलाव बहुत जरूरी होता है। बदलाव नहीं होगा तो हम आज के युग में एक बेवकूफ इंसान की जिंदगी जी रहे होंगे, क्यों, क्योंकि बदलाव इतना हो चुका है
हमें बदलना, हमारा बदलना स्वाभाविक चीज हो चुका है। तो जो रूढ़िवादी व्यक्ति की जीवन शैली होती है, रूढ़िवादी व्यक्ति एक पर्सन यहाँ पे है, उसकी जीवन शैली कैसी होती है? परंपरागत होती है, यानी अपनी परंपराओं पे आधारित होती है। जिन परंपराओं पे वो चला आ रहा है, उन्हीं परंपराओं से वो अपनी पूरी लाइफ को जीना चाहता है। वो रूढ़िवादिता को पकड़ कर बैठा हुआ है। लेकिन रूढ़िवादिता और इसी इकाई के अंदर एक आपका आ रहा है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता आपस में इनका बहुत अच्छा संबंध है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से कुछ लोगों में बदलाव लाना संभव है, क्योंकि रूढ़िवादी लोग होते हैं उन्हीं में पूर्वाग्रह बहुत जल्दी आते हैं। पूर्वाग्रह किसमें आएगा? जो परंपराओं को पकड़ कर बैठे हैं। परंपराएं जिन्होंने नहीं पकड़ी है, वो चेंज जो हो रहे हैं आधुनिक युग के इस चलन में या फिर साइंटिफिक रीजन से कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर यदि व्यक्ति चेंज होता है, बदलाव लाता है, तो उसमें पूर्वाग्रहों की सीमा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो चल रहा है जिंदगी में वो उसको फेस कर रहा है। लेकिन रूढ़िवादी जो लोग होते हैं वो चल रहा है उसको फेस करना नहीं चाहते, उसके पक्ष में ना होकर के उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। देखिए, ऐसे आज एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको दूंगी कि कुछ लोग होते हैं जो पर्दा प्रथा पर आज भी बिलीव करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लैंगिक समानता और असमानता पर आज भी बिलीव करते हैं। तो ये क्या है? ये रूढ़िवादिता ही तो है। लेकिन आज का समाज कैसा हो गया है कि इसमें लैंगिक विषमताओं को तो खत्म ही कर दिया गया है। लिंग के आधार पर जो भेदभाव चले आ रहे हैं उनको आज के समाज ने समान दर्जा दे दिया है। लेकिन जो लोग रूढ़िवादी हैं वो उनको आज भी समान दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। जैसे लड़की को लड़की की नजरों से देखा जाता है कि ये लड़की है तो ये क्या करेगी, लड़के को वाह ये लड़का है ये तो बहुत कुछ करेगा। इस तरीके की रूढ़िवादिता आज भी समाज को जकड़े हुए है, जबकि आधुनिक युग उस चीज से काफी आगे तक निकल चुका है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि रूढ़िवादी व्यक्ति की जो जीवन शैली होती है वो परंपरागत होती है, यानी अपनी परंपराओं पर आधारित होता है। वो किसी चीज तरह का बदलाव अपने आप में नहीं चाहता है। रूढ़िवादिता की परिभाषा, परिभाषा रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा है जो परिवर्तनों से संकोच करती है। परिवर्तनों से क्या करती है स्टूडेंट? संकोच करती है। वह डरती है कि इसकी निष्ठा पारंपरिक है, इसकी जो निष्ठा है वो पारंपरिक है, इसीलिए तो डरती है क्योंकि वो परंपराओं से जकड़ी हुई है। रूढ़िवादिता एक नकारात्मक विचारधारा है। सारे जो रूढ़िवादिता का निचोड़ है वो कहां आ गया? आपका जो टॉपिक है वो यहाँ क्लियर होता है कि रूढ़िवादिता एक नकारात्मक विचारधारा है। ऐसा कहना इसलिए उचित होगा कि वो हमेशा परिवर्तनों का विरोध करने वाली होती है, वो कभी भी परिवर्तन नहीं चाहती है। सेकंड आपका आ जाता है कि समाज में हो रहे परिवर्तनों को एक संदेह की नजर से देखती है। रूढ़िवादिता जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती है, और वो रूढ़िवादी जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि यह परिवर्तन उसके लिए घातक हो सकता है, यानी कि उसके लिए इसमें कुछ गलत हो सकता है। ये सिर्फ क्या है? उसके पूर्वाग्रह है, ये उसकी सोच है, जबकि ऐसा होना कुछ नहीं है। बदलाव अगर युग में बदलाव हो रहा है तो इंसान को सिर्फ बदलना है, बस उससे डरना नहीं है। लेकिन रूढ़िवादी व्यक्ति क्या करते हैं? पूर्वाग्रह करते हैं। पूर्वाग्रहों से डरते हुए वो अपनी परंपराओं को का त्याग नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है, रूढ़िवादी विचारधारा एक यथा स्थिति का समर्थन करती है कि जो कंडीशन पहले थी वो हमेशा उसके लिए पूजनीय होती है, वो उसी स्थिति में अपनी लाइफ का गुजारा करना चाहता है, क्योंकि जो चल रहा है उसे वैसे ही रहने दो। रूढ़िवादी व्यक्ति क्या कहता है? जो चल रहा है उसे वैसे ही रहने दो, उसमें कुछ बदलाव ना करो। लेकिन यदि हम बदलाव ना करते तो क्या आज हम इस जगह होते? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूं। यदि हम पहले जब पढ़ते थे गुरुकुलों में पढ़ा करते थे, रूढ़िवादिता पे हम जाएं, पहले हम पढ़ा करते थे गुरुकुल। हाँ, माना कि गुरुकुल की शिक्षा और आज की शिक्षा में भी बहुत बड़ा अंतर है। गुरुकुल की शिक्षा में संस्कार भी शामिल थे,
फिल्मों में ही दी जाती थी, लेकिन आज हम उस चीज को चेंज नहीं करते तो क्या आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन कर रहे होते? तो हमें रूढ़िवादिता को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, उसे हमें ड्रॉप करना चाहिए, यानी कि उसके साथ साथ जो भी चीजें बदल रही हैं उसके साथ साथ बदलाव। देखिए स्टूडेंट्स, बार बार एक ही बात आती है कि इतिहास भी बदलाव चाहता है, तो हमें भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है। रूढ़िवादिता को हम एक मनोवृत्ति भी कह सकते हैं, ये एक इंसान की मनोवृत्ति है। जिस तरीके से इंसान आत्मविकास के लिए अपने अंदर छवि डेवलप कर लेता है, एक मानचित्र डेवलप कर लेता है अपने विकास के लिए, उसी तरीके से रूढ़िवादी जो व्यक्ति होता है वो भी एक मनोवृत्ति अपने अंदर बना लेता है कि इन चीजों को बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है, ये चीजें हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट आता है दृष्टिकोण में कई व्यक्ति होते हैं। रूढ़िवादी जो दृष्टिकोण होता है उसमें कई व्यक्ति होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं, आधुनिक दृष्टि से सोचते हैं, और जबकि कुछ लोग होते हैं वो परंपरागत छवियों को लेकर ही बैठे रहते हैं। तो जो परंपरागत चीजों को लेकर बैठे रहते हैं वो ये पूर्वाग्रह करते हैं, समाज में फैलने वाली चीजों को रोकने की बजाय बढ़ावा वो देते हैं। क्यों? क्योंकि रूढ़िवादी चीजों से युग नहीं चलना है, क्योंकि जो चलने वाली आधुनिक जो चीजें हैं वो टाइम टाइम पर बदल रही हैं, तो रूढ़िवादी व्यक्ति होता है वो बदलाव नहीं चाहता है। आज का युग है वो सिद्धांतों पर चलता है, आज का युग किस पे चलता है? सिद्धांतों पर चलता है। रूढ़िवादिता है वो साइंटिफिक सिद्धांतों पर विश्वास ही नहीं करती। आज का युग तो सिद्धांतों पर चलता है और रूढ़िवादिता है वो सिद्धांतों पर बिलीव ही नहीं करती है। तो आज की जो रूढ़िवादिता की अर्थ मैं आपको इतनी सी ही छोटी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं रूढ़िवादिता के बारे में, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, इसी तरीके से मेरे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते रहेंगे तो मैं फिर से अच्छे से मोटिवेट होती रहूंगी, अच्छी अच्छी क्लासें आपको लाती रहूंगी। मेरे नव भारती चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि नई नई चीजें रीड से रिलेटेड सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके सामने प्रसारित होने वाले हैं।